नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह पटवाल। आपसे देख रहे हैं पटवाल कार्स। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ होंडा की अपकमिंग एसयूवी के बारे में, जो डेब्यू करने वाली है 6 जून को। इसका नाम है एलिवेट और ये कम्पीट करने वाली है ह्यूंडई की क्रेटा के साथ, किया की सेल्टोस के साथ, स्कोडा की क्यूशा के साथ, VW की टाइगुन के साथ, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा के साथ, टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाईराइडर के साथ एंड MG के एस्टर के साथ। सो ये कब लॉन्च होगी, क्या इसमें फीचर्स आने वाली हैं, क्या इसकी प्राइस होगी, इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन की। तो यहाँ पे जो है आपको होंडा सिटी वाले ही दो इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं। पहला है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 121 PS की पावर एंड 145 Nm का टॉर्क। अवेलेबल होगा एक 6-speed के मैनुअल और एक CVT के साथ। फिर दूसरा आता है 1.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड, जो एक प्रॉपर हाइब्रिड होने वाला है। ये जनरेट करता है 126 PS की पावर एंड 253 Nm का टॉर्क। अवेलेबल होगा सिर्फ एक ECVT के साथ। तो यहाँ पे जो है आपको ये दो इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं, डीजल जो है उसका ऑप्शन नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। सो होंडा एलिवेट का जो डिजाइन है वो इंस्पायर होने वाला है इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली होंडा WRV एंड होंडा HRV से। सो यहाँ पे जो है उन्हीं की तरह ही इसमें आपको स्लीक से जो है LED हेडलैम्प मिलेंगे, फ्रंट में जो है ग्लॉस ब्लैक कलर में होंडा की ग्रिल मिलती है एंड LED फॉग लैंप्स मिलेंगे। वहीं साइड की तरफ यहाँ पे 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब टेस्टिंग मॉडल में जो है ग्लॉस ब्लैक फिनिश में अलॉय व्हील्स पाए करे गए हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टॉप एंड वेरिएंट में जो है डुअल टोन फिनिश में अलॉय व्हील्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, जैसा होंडा अपनी हर कार्स मिलता है। रूफ रेल्स मिलेंगी, सनरूफ मिलता है और एक शार्क फिन एंटीना मिलेगा। वहीं रियर की तरफ जो है यहाँ पे आपको रैप अराउंड में LED टेल लैंप्स मिलेंगे। बाकी ये गाड़ी बेस्ड है 5th जनरेशन होंडा सिटी वाले प्लेटफॉर्म पर। अब बात करते हैं होंडा एलिवेट के फीचर्स की। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले होंडा सेंसिंग मिलता है, जो होंडा का एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है, यानी कि ADAS। तो यहाँ पे जो है आपको होंडा सिटी वाले ही सारे ADAS के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट एंड ऑटो हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स। उसके अलावा यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगी, नॉर्मल से जो है इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगी, बड़े साइज का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जैसे कि हमने होंडा सिटी में देखा है कुछ उसी तरीके का, वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRV मिलेगा, एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS विद EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, ESP एंड होंडा कनेक्ट मिलता है, जो होंडा का कनेक्टेड कार टेक है, जिसमें आप जो है फ़ोन के थ्रू ही गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो, कार का AC ऑन कर सकते हो एंड काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इवन ये जो है Alexa को भी सपोर्ट करता है। बाकी यहाँ पे जो है दो और फीचर्स एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं, जो है पावर ड्राइवर सीट एंड वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर। अब बात करते हैं होंडा एलिवेट की एक्सपेक्टेड प्राइस की। सो यहाँ पे जो है होंडा काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं एंड साथ में यहाँ पे जो है आपको एक प्रॉपर हाइब्रिड सिस्टम ही मिलेगा, जिस वजह से जो है गाड़ी की प्राइसिंग वो थोड़े हायर साइड में जा सकती है। सो इसके एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो जा सकती है अप्रॉक्स 13-20 लैक्स के आसपास। बाकी इस गाड़ी का जो डेब्यू है वो होगा 6th जून को। तो ये थी वीडियो होंडा एलिवेट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।